Most of the times we search about a destination and then travel there to experience it. But then कुछ लोग कभी कभी ऐसे भी होते हैं जो बस निकल पड़ते हैं और यादें अपने आप बनती जाती है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है जिसमें डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक्सपीरियंस यादगार बन गया। मेक श्योर यू स्टिक अराउंड टिल द वेरी एंड ऑफ दिस वीडियो। This is Kundan from countingkilometers.com. We create travel stories about everything from mountains to oceans, from trekking and hiking to motorcycle riding and everything in between. So if this is something that interests you, please consider subscribing to our channel and following us on all our social handles. खंडाला घाट के बीच में आधा घाट चढ़ के रुके। रुकने का कारण अपनी पुरानी बूढ़ी जीप गर्म हो जाती है। अभी आधा घाट चढ़ना बाकी है तो जब तक ये ठंडी हो जाती है थोड़ा सा आपको इस कहानी का बैकग्राउंड दे देता हूँ, घूम के आते हैं थोड़ा सा। ये कहानी है 10 मार्च 2020 की। होली के अगले ही दिन हम सब घर पर ही रंगों का त्योहार मना रहे थे जब मुझे एक कॉल आया, चलो आज कहीं कैंपिंग करने चलते हैं। एग्जैक्टली कोई जगह प्लान नहीं की है लेकिन कुछ ना कुछ तो ढूंढ ही लेंगे। बस ऐसे बना प्लान और शाम के 4 बजे निकल के हम सब पहुंच गए खंडाला। सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक था, वो 5 मिनट में ठंडी हो जाती है गाड़ी चलाने लायक। एंड वी आर हियर फाइनली अमृतांजन पॉइंट। अगर पहले से आप फॉलो कर रहे हो तो आपको ये पॉइंट भी पहचानने में आ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस ड्यूक्सनोज। तो इससे पहले भी अपने व्लॉग्स में आ चुका है। और ये है अपने साथ, ये अभी 5 मिनट पहले ये ना वहाँ पे था ऊपर। क्या कर रहा था ऊपर? नजारा ले रहा था। नजारा। अच्छा, हमको भी नजारा मिल रहा था बंदरों का। भाई बंदर मेरे बाजू में बैठे थे। एंड द अदर पर्सन ओवर हियर, सर अब पूरा सूरज दिख रहा है, इस तरफ आ जाओ। अभी इनको भी सब लोग पहचानते हैं। नहीं मुझे नहीं पहचानते भाई ज्यादातर लोग। अरे हमारे फॉलोअर्स तो पहचानते ही है ना। फिर सो द थिंग इज अभी हम जाने वाले हैं कैंपिंग करने के लिए, होली स्पेशल कैंपिंग। कैंपिंग कहाँ पे करना है किसी को मालूम नहीं है, सिर्फ प्रकाश को पता है। अगर प्रकाश रास्ता भूल गया तो हम पूरे जंगल में भटकने वाले हैं। समवेयर दिस साइड, वहाँ पे कहीं पे जाना है ऐसे अभी ये बोल रहा था, पता नहीं किधर लेके जाने वाला है। यहाँ से निकलते निकलते सनसेट का टाइम हो गया था तो और 15 मिनट रुक गए। अभी सनसेट हो चुका है और जनाब श्री श्री प्रकाश महाराज ने बताया अभी अभी कि हमें कितना ऑफ रोडिंग करना है। एक घंटा जाएगा अपने। एक घंटा ऑफ रोडिंग और उसके बाद चलना कितना है? मिनिमम 20 मिनट्स चलना है। और ये सब बात अभी बता रहा है। आधा घंटा यहाँ पे सनसेट का टाइम लैप्स लगा के बैठा था तभी बताया नहीं इसने। सर आपका क्या कहना है इस बारे में? इस बारे में इतना ही कहना है, इसके ऊपर केस चलना चाहिए। आप मूड में थे उसके लिए आपका मूड मेरे खराब नहीं। अरे मूड पड़ा था काड़ो का मधे कसम कसम, मूड खराब होईल ना। आता तो बसते ना आपल्याला। बर अब अगर अमृतांजन पॉइंट पे आके मैं आपको यहाँ का सनसेट ना दिखाऊं तो ये तो नाइंसाफी होगी। तो निकलने से पहले सनसेट देख लेते हैं। Well, that was one hell of an off-road. पूरा 45 minutes का टाइम लगा यहाँ पहुँचने में। वी आर राइट नाउ एट द मंकी हिल स्टेशन का नाम है, हिल स्टेशन नहीं है। सो इट्स बेसिकली रेलवेज का खंडाला घाट का मेंटेनेंस पॉइंट है ये। तो यहाँ पे टेक्निकल हॉल्ट होता है नीचे उतरते वक्त सब ट्रेन्स का, सो दैट ब्रेक्स वगैरह कूल करने के लिए। एंड अभी यहाँ से हमें ट्रैक करना है तकरीबन 1 घंटे का, 20 मिनट नहीं था। प्रकाश ने उस टाइम पे भी गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। प्रकाश बहुत गालियाँ खाने वाले हो। अरे दिख नहीं रहे हो, रुको यार क्या मजाक कर रहे हैं, मैं दिख रहा नहीं। बहुत गालियाँ खाने वाले हो अब, ठीक है। वैसे यहाँ पे जो रेलवेज का ऑफिस है यहीं पे अपना जीप पार्क हो चुका है। ऑलमोस्ट फॉर लास्ट 15-20 मिनट्स वी आर वॉकिंग ऑन द रेलवे ट्रैक ओनली, बट वी आर नॉट ऑन द वर्किंग ट्रैक्स। हम जिस ट्रैक पे अभी है वो ब्रेकडाउन वाला ट्रैक है, तो देर इज़ नो रिस्क। और ये ट्रैक आज सामने जाके ख़त्म होगा, उसके बाद अपना असली ट्रैक चालू होने वाला है।
लेकिन यहाँ से खोपोली का जो वैली का नज़ारा है ना, बहुत सुंदर दिख रहा है। शो यू ऑलमोस्ट 30 मिनट्स आफ्टर लीविंग द ट्रैक्स, बहुत स्टीप चढ़ान है, बहुत स्टीप, और एज यूजुअल युवा को कंधे पे लेके चढ़ रहा हूँ यहाँ तक। सो वी हैव डिसाइडेड टू कैंप हियर, और थोड़ा जो बाकी है वो कल सुबह जल्दी उठ के करेंगे। यहाँ पे हमें कुछ रेडीमेड लकड़ियाँ मिल गई है, सी दिस। सो इससे पहले किसी ने शायद यहाँ पे बॉनफायर कहो या जो भी है जलाया था, तो यहाँ पे रेडीमेड लकड़ियाँ मिल गई। उसके बाजू में फिर टेंट लगाने के लिए जगह ढूंढी, तो वो भी मिल गई रेडीमेड। अभी प्रकाश और ऐश्वर्या क्लीनिंग का काम कर रहे हैं झाड़ पे टेंट लाइट टांग के। अभी फटाफट टेंट सेटअप करते हैं, और टेंट रेडी करने के बाद बहुत सारे गप्पे लड़ाएंगे, मस्त बॉनफायर करेंगे, बॉनफायर में खाना भी पकाएंगे, मतलब बॉनफायर में नहीं, बॉनफायर के साथ चूल्हा जलाएंगे, उसमें खाना पकाएंगे। वैसे अभी अभी प्यारा सा मूनराइज हो चुका है फ्रॉम देयर, कल ही फुल मून नाइट थी होली की रात, तो आज भी ऑलमोस्ट फुल मून ही है, एंड इट्स क्वाइट अ बिट क्लाउडी टू नाइट, तो ठंड भी पड़ेगी, मज़ा आएगा। टेंट सेटअप हो चुके हैं अपने, तीनों टेंट्स एकदम एक दूसरे के साथ चिपक चिपक के, ये एक, ये दो और ये तीन, और अपना बोनफायर का सेटअप भी लग चुका है। फाइनली टाइम फॉर सेइंग गुड नाइट, ऑलमोस्ट 12:15 है अभी, सो क्लोज टू मिडनाइट। सुबह 5:30 उठ के ऊपर जो बाकी बचा हुआ ट्रैक है वो कंप्लीट करने का प्लान है, लेट्स सी। 5:30 बजने चाहिए, देखेंगे 5:30 का अलार्म तो बजेगा, फिर देखेंगे। वैसे ईवा की गुड नाइट हो चुकी है, और प्रियंका की भी गुड नाइट होने वाली है, ऑलमोस्ट हो चुकी है। मिलते हैं कल सुबह, पहली क्या बोलते हैं उसको, सूरज की पहली किरण के साथ। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स 7:30 ऑलमोस्ट, 5:30 वैसे बहुत ही प्यारा सनराइज देखने मिला है, एंड द क्लाइमेट इज सो कोल्ड, यहाँ पे सुबह उठ के भी सब लोग फिर से बॉनफायर जला के बैठे हैं। फाइनली अभी आफ्टर सनराइज थोड़ा सा प्लेजेंट हो गया है। नाउ आई शो यू, ये है जो ट्रैक अपना बाकी है, यहाँ ऊपर तक जाना है। आई डोंट नो, समवेयर देयर इज अ टेम्पल ओवर देयर, तो वो ढूंढना है जाके। अभी ये ब्रेकफास्ट चल रहा है सबका, काइंड ऑफ पेरू वाला ब्रेकफास्ट। रात भर में कम से कम 35 या 40 ट्रेन्स की आवाज़ सुन चुका हो, कभी जा रही है ऊपर, कभी आ रही है नीचे। दैट्स खंडाला टाउन ओवर देयर। अभी पेरू अपने को तो पसंद नहीं है, खा लो मज़े कर लो, हम तो ऐसे ही भूखे जाएंगे ऊपर।
ऑलमोस्ट रॉक क्लाइंबिंग था। प्रियंका मजा आ ली? अब उतरे कैसे, ऐसा डर लग रहा है। हां उतरायचं उभा उभा नाही तर इथेच राहू। लुक एट दिस, इट्स कंप्लीट रिज दोनों तरफ खाई है। इस तरफ तो खाई में रेलवे लाइन भी है, टनल भी है, और इस तरफ भी। दिस इज खोपोली सिटी और बीच में इस रिज पे खड़े हैं अभी। दिस इज ऑलमोस्ट द टॉप, पीछे थोड़ा सा और है लेकिन प्रकाश ऊपर गया है। अभी ऊपर कुछ है नहीं देखने लायक, एक लंबा सा पूरा प्लेट्यू है बड़ा सा। तो वी डिसाइडेड कि यहीं से वापस चलेंगे। लेकिन यहाँ से जो व्यू है ना, मतलब 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू का जो एकदम लिटरल मीनिंग है ना, वो यहाँ से पता चल रहा है। इतना सुंदर दिख रहा है ना, बहुत सही है। I'll never forget this rock patch in my life. इवा को कंधे पर लेके यहाँ से ऊपर चढ़ना जितना चैलेंजिंग था ना, उससे भी ज्यादा थ्रिलिंग था उसके साथ नीचे उतरना। इट वॉज हार्डली 30 odd feet, बट आई मस्ट से मुझे डर लग रहा था। But then that's what we go out on treks for, right? We reached near our tents in some 10-15 minutes, packed up all our stuff and walked our way back to Monkey Hill Station. रात में जिस ट्रैक के लिए हमें almost 45 minutes लगे थे, वही distance आज हम 25 minute में उतर के आ गए। This fun little trek was over by 10 am or so, but this vlog, this experience is not yet over. रात के अंधेरे में जो 45 minutes का off-road किया था, वो वापस भी तो जाना है। और जंगल के इन कच्चे रास्तों पे अपनी जीप अगर साथ हो तो फिर ये कहना आसान हो जाता है। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी। कीप काउंटिंग किलोमीटर्स।